अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो ये रखे भाई अभी आटा गूंद रहे और मम्मा बना रही है टिक्की। तो अभी हमने अभी व्लॉग स्टार्ट करा और ये टाइम 6:20 हो रहे हैं और ये टिक्की भाई ने पीस के दी है मम्मा को। और मम्मा अब इसके अंदर डाल रही है प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल रहे हैं और अभी दही भी डालनी है। दही का रायता बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे। अभी भाई आटा गूंद के फारिग होते हैं तो। और ये देख हमारे जून मोबाइल देख रहा है। क्या देख रहे हैं ये मारिज को तो दिखाओ, बात तो करवाओ। मारिज क्या कहना है आपने, बोलो। गाइस मेरी ठीक नहीं, हमारी भी टीवी ठीक है। बोलो ओके, बोलो ना मारिज। गाइस हमारी तबीयत खराब हो गई। हम बड़ा देर बाद हमारी खेतन हो गई, तब हम मम्मा के हाथों से खाना खाएंगे। पहले चलो मम्मा से मिला, चलो आए मम्मा से मिला, चलो लेकर आओ। बोलो। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। मैं 15 दिन बाद इसलिए व्लॉग बना रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हार्ट का मसला हो गया था 15 दिन पहले। तो पिछले हफ्ते में मुझे डिस्चार्ज किया है, अब उसके बाद थोड़ी तबीयत आज बेहतर हुई है। तो आज बच्चों की फरमाइश हुई, मैंने बनानी है शामी टिक्की और रोटियां। माज ने मुझे ये शामी टिक्की पीस के दिए। दिखाओ माज, ये शामी टिक्की आपने पीस के दिए और आटा भी माज ने गून के दिया है। सिर्फ मैंने इनको थोड़ी हिम्मत करके खड़े होके ये टिक्की बना के देनी है, फ्राई करके देनी है और रोटियां बनानी है। रायता भी रेडी है, अब हम चलेंगे किचन में। किचन में जा के हम आपको दिखाते हैं कि आज थोड़ी सी हिम्मत से मैंने काम करना है। और आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आगे से आगे और तबीयत बेहतर करे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। चलें फिर चलते हैं किचन में। ये देखें, मैंने आज मशीन लगाई थी, सारे कपड़े धो लिए हैं मैंने। तो अब मम्मा की रेसिपी देखते चले। चलो शामी टिक्की भी उठा लाओ ना, मैं इतने पेड़े बना रही हूँ। ठीक है, ये पड़ी शामी टिक्की, चले हम लेके चलते हैं भाई। चलो 6 बज गए, मैंने दवाई भी खानी है, मेरी दवाई भी रह गई। 1 मिनट ये रखो शामी टिक्की, ये पेड़े बनाओ। 6 बजने नहीं, 7 बजने वाले हैं। ओए मेरी दवाई लेट हो गई माँ, पहले मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। 1 मिनट, वैसे मुझे चक्कर पड़े आ रहे हैं, आज खड़ी हुई हूँ ना इतने दिन बाद किचन में, दिल घबरा रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक, बंद है। चलो पेड़े भी बनाती जाऊँगी और साथ साथ ये भी टिक्की भी, मुझे नींद आ जाएगी फिर जल्दी से। ये दवाई चक्कर दिलाती है, इतने ज़्यादा उनौदगी होती है इसकी मेडिसिन से। अच्छा मैं जल्दी जल्दी आपको रोटियां बना दूँ ना, अंडा फेंटना। चम्मच भी नहीं लेके आए मैं तो, चिमटे से। एक तो ये देसी अंडे मुझे बड़े बुरे लगते हैं, फिटते ही नहीं है इतने। ठीक है, इतने दिन से मुझे ये भी नहीं पता मेरे बच्चे ने क्या व्लॉग बनाया क्या नहीं बनाया। आपने मुझे तो खबर ही नहीं होती थी। जल्दी जल्दी मैं ये टिक्की बनाती हूँ। तेल फ्राई होता है, आपने ही खानी है। मैंने तो चाय बिस्किट ही खाना है, मैंने नहीं खाना ही। फ्राई हो रही है इसमें रोटी बना, मम्मा टिक्कियाँ बना रही है। गरम बड़ा है, चीटे पड़ रही हूँ मैं दूसरा तो बनने दो टिक्कियाँ, सही होती है। मेरे चक्कर बड़े आते हैं दवाइयों से, मैं क्या करूँ। नहीं मैं आपको टाइम से मकरीब के टाइम खाना खा लेते थे मेरे बच्चे, इशा भी होने वाली है, मेरी तो रोटियों की दिक्कत रहती है, क्या करूँ बच्चे। तेल गिर रहा है इधर से, छोड़ दो आप, हाथ ना लगा बेटे। हाँ
रोटी बन जाएंगी ना, जल्दी से आपको रोटी बना के रायता मैंने रख दिया आप खाना फिर। ठीक, मैं बिल्कुल भूल गई शामी टिक्की बनाने के चक्कर में, मेरी दवाई लेट हो गई, मेडिसिन खाई है, अब 7 बजे हॉस्पिटल में 5:30 बजे नर्सें आ जाती थी मेडिसिन देने। टिक्की सारी बन गई हैं, ये देखो ये सारी निकाल ली है मैंने, अब बनानी है रोटियां। चलो रोटियां बनाते हैं। ये अंडा मारिज ने खाना है, ये देसी अंडा, ये थोड़ा सा बचा है, मैंने कहा इसको ऐसे ही बना दो, मारिज को बड़ा अच्छा लगता। अच्छा चलो टिक्कियां लेके चलते हैं, दस्तखान रेडी करते हैं। ये देखे मारिज और माफी दस्तखान रेडी कर रहे हैं, चले हम बाहर चलते हैं, मैं रोटी बनाती है। तवा गरम होने दो, मेरी रोटी बना, आप नहीं बनाओ मैं बना लूँगी, जितनी हिम्मत है मैं कर रही हूँ, फिर आप कर लेना होने। मैं रोटियां बना रही हूँ ठीक है, जब तक मेरी हिम्मत है मैं रोटियां बना रही हूँ, जब मुझे ज़्यादा चक्कर आए आप बना लेना ठीक है। ठीक है मैं बना रही हूँ, लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, इतने दिन से आप ही काम कर रहे थे, जब से आपने ही खाना बनाया पूरे 15 दिन मैंने कोई खाना नहीं बनाया, आज मैं बना लूँगी, मेरी जितनी हिम्मत है मैं करती जाती हूँ ना, आप बस मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, यहीं खड़े रहो, जब मुझे चक्कर आए मैं आपको कह दूँगी, फिर आप बनाना सही है। ठीक है ये देखे मम्मा की हाथ की रोटियाँ कितनी गोल है, हम तो टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ बना के खा लेते थे, माँ की हाथ की रोटी बड़ी अच्छी होती है। चलो ये लो रोटी देकर आओ बाबा को, इतने बाबा रोटी तो खाए ना, जाओ। ठीक है ये लो रोटी आ गई। चलो भी गाइस आ जाओ भाई, मज़ेदार रोटी है और मज़ेदार रोटी है। टेस्ट मारिज बताओ टेस्ट करके कैसे बनाई है। मम्मा ने कैसी बनाई है बताता हूँ, एक मिनट स्टॉप करो। लो आप लोग खाना खा रहे हैं, मम्मा के हाथ का खाना खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा है, अब टेस्ट करके बताइए। अब भाई बता क्या है, मान जा अभी बहुत खुशी हो रही है और आप सब बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज, हम बहुत मजा आ रहा है खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैंने खाना खा लिया है और मम्मा की कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं रोटियां बना रहा हूँ। खाना खाने में बड़ा मज़ा आया, मम्मा ने बड़े मज़े की टिक्कियां बनाई हैं।
माविज और मारे जभी भी खा रहे हैं। तो ये रोटी सेक के फिर मैम चलते हैं अंदर। चलो मैंने सेक लिया रोटी। चलो सब ने खाना खा लिया। मारिज भी तो आपको खाना खाने में कितना मजा आया। आज गुरुजी ये खत्म। आपको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब वाला। हमने खाना खा लिया। आज खाने में बड़ा मजा आया। हमने मम्मा का हाथ का खाना खाया और अभी मम्मा कर रही है रेस्ट और भाई धो रहा बर्तन। मम्मा थक गई थी इसलिए मम्मा की कमर में दर्द हो रहा है और अभी भाई ने बोला मैं बर्तन धो दूँ। भाई सारे बर्तन धो रहा है। तो चलो देखते बर्तन धो लिए सारे। कब ये चलते हैं हमारे उम्मीद करते हैं कि आज को आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। लाइक करें शेयर ये वीडियो करते हैं ये खत्म। आपको ब्लॉग पता है लाइक करें शेयर सब्सक्राइब करें गाइस यार प्लीज हमारे व्यूज बढ़ा दो लाइक बढ़ा दो सब्सक्राइब बना दो प्लीज 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 जरूर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।